शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा तोमर। देश के अंदर जहां कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब 50,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। ऐसे में एहतियात बरतना और भी जरूरी हो जाता है। अब जहां हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों और पत्रकारों को सदन में प्रवेश करने से पहले ना केवल मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य है, तो वहीं अब COVID-19 की जांच करवानी भी जरूरी होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने मानसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने की व्यवस्था करने पर चर्चा की। बैठक के बाद यह तय किया गया कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर शख्स को 3 दिन पहले तक की अपनी कोरोना टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। सभी विधायकों का टेस्ट करवाने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी CMO को हिदायतें भी जारी कर दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान हो रहे इस विधानसभा सत्र में विधायकों के अब बैठने के तरीके में भी बदलाव किया गया। इस बार सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा भी नहीं दिखाई देगी। अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए उनकी जगह भी अब आवंटित कर दी गई। विधानसभा में आने वाले सभी दस्तावेजों को भी अब पूरी तरह से टाइप नहीं किया जाएगा। साथ ही बैठक में सैनिटाइजर मशीन खरीदने पर भी फैसला लिया गया। इसके अलावा विधानसभा में आने वाले सभी लोगों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की एक किट भी दी जाएगी। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस बार के विधानसभा के मानसून सत्र के लिए खरीदे जाने वाले सभी आइटम्स में एक भी चाइनीज नहीं होगा, भले ही इसके लिए कुछ ज़्यादा ही भुगतान क्यों ना करना पड़े। विधानसभा परिसर में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर भी अब रोक लगा दी गई। अगर कोई विपक्षी दल प्रदर्शन करना भी चाहता है तो वह विधानसभा से बाहर जाकर प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि इस बार के विधानसभा सत्र में सभी बातों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसी ही तमाम गतिविधियों को देखने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।